हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज हम डेमो करने वाले हैं शॉक वेव थेरेपी मशीन का हैवी ड्यूटी में। तो कुछ इस टाइप का मॉडल आपको मिल जाता है। तो शॉक वेव की दोस्तों हमने वीडियो बहुत सारी बनाई हुई है, लेकिन ये बहुत हैवी में है, जिसकी डिटेल हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए इसका एक डेमो करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए फटाफट इसका एक डेमो करते हैं, कैसे यूज़ करना है, इसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है, पूरी डिटेल आपको देते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस टाइप का मॉडल आपको मिल जाता है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे आपको दोनों तरफ एक स्टैंड देखने को मिल रहा होगा, इधर भी और उधर भी। तो इधर ये जो आपका ये हैंडल है, ये हैंडल रखने के काम में आता है ये वाला। तो आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, ये आपको अंदर कार्टून में मिलेगा। यहाँ पे आपको दो पेच लगाने, तीन पेच लगाने इधर इस स्टैंड में, और तीन पेच लगाने उधर। तो इधर आपको अटैचमेंट रखने के लिए मिल जाते हैं कुछ इस टाइप के। तो इसमें आपको 6-7 अटैचमेंट मिल जाते हैं, जो भी अटैचमेंट आपको यूज करना आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये स्टैंड को आपको फिट करने के लिए तीन पेच टाइट करने पड़ेंगे। और इसके साथ आपको क्या क्या मिल जाता है मैं बता देता हूँ। एक हैंडल मिलता है आपको कुछ इस टाइप का, क्वालिटी आप देख पा रहे हैं काफी हैवी में है। तो अगर दोस्तों हैवी है तो इसकी क्वालिटी भी होगी, रिजल्ट भी अच्छा होगा। तो इसको आगे चला करके दिखाएंगे हम कैसे चलाना है इसको। दूसरी बात दोस्तों, इसके साथ एक मैन केबल आता है आपका और मशीन आती है। तो हैंडल को हम पहले निकालते हैं आपको दिखाने के लिए। तो कुछ इस तरीके से हैंडल को निकाल लेना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, अगर इसमें हैंडल लगा हुआ नहीं रहेगा तो डिस्प्ले आपकी चालू नहीं होगी। यहाँ पे आपको लिख करके आएगा कि पहले आप हैंडल अटैच करें तभी डिस्प्ले ऑन होगी। तो जैसे सबसे पहले आपको मशीन बंदी रखनी है, जो पीछे से बंद होगी, और सबसे पहले हम हैंडल को अटैच करेंगे। तो हैंडल को अटैच करने के लिए इस पे आप देख पा रहे हैं, एक यहाँ पे अंदर की तरफ एक प्लास्टिक से उठा हुआ है और इसमें कट दिया हुआ है। तो इसको हम इसके ऊपर रख करके दबाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये हैंडल अटैच हो जाएगा मशीन से। और ये जो गन है, गन को कभी भी इस पे रखने के लिए हमें इस तरीके से कैरी करनी है इस पे। तो दोस्तों, कभी भी आप हैंडल को मशीन के ऊपर या साइड में ना रखें, इस स्टैंड पे रखें, क्योंकि सेफ रहेगा, गिरने से बचेगा। क्योंकि एक बार अगर गिर गया तो आपको हैंडल या तो चेंज करना पड़ेगा या तो रिपेयर कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मशीन को यहां से स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपकी डिस्प्ले ऑन हो गई है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, यहां पर एक चीज मांग रहा है, जैसे कि पासवर्ड मांग रहा है। तो यहां पे आपको एक पासवर्ड इंटर करना होगा। तो इसका पासवर्ड है 2 3 4 5 6, और फिर इंटर दबाएंगे और फिर पावर ऑन करेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं आप, डिस्प्ले ऑन हो गई है और इसमें आपको अलग अलग बॉडी पार्ट के जॉइंट दिखा रहा है। जो भी पार्ट आपको यूज करना है, शोल्डर, एल्बो, बैक, नी, कहीं भी यूज करना है, उस प्रोग्राम को आप क्लिक करेंगे और स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं इसमें कोई भी एक प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं रिस्ट को सिलेक्ट कर लूंगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको तीन ऑप्शन दे रहा है। तो इन तीन ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, सेट करना है, उसके बाद यूज करना है इसको आप। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिख रहा है। जैसे नीचे यहाँ पे आपको काउंटिंग सिलेक्ट करनी है कि आपको एक बार में इस हैंडल में कितनी काउंट करनी है। जैसे कि अगर मैंने 1500 सेट किया हुआ है तो ये 1500 बार एक बार आप दबाएंगे तो 1500 बार चलेगी, तब जाके रुकेगी। अगर आप रोकना चाहते हैं फिर से आपको इस हैंडल के बटन को दबाना पड़ेगा तो ये रुक जाएगी बीच में भी। लेकिन इसका यह है कि जब 1500 ये पूरी हो जाएगी तो यहाँ पे 1500 शो होगा और फिर ये जीरो से स्टार्ट होगा। इसको हमें कम ज्यादा करना है काउंटिंग को, तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ से करेंगे। तो कम से कम इसमें 500 काउंटिंग आएगी। उसके बाद आ जाती है आपकी स्ट्रेंथ सेटिंग। तो इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं कुछ यहाँ से। इसका मतलब यह है कि इसकी पावर आप कितनी रखना चाहते हैं।
तो इसकी फुल पावर 10 तक जाएगी। तो अगर आपको कम रखना आप कम रख सकते हैं, ज्यादा रखनी है ज्यादा रख सकते हैं। अभी हम 6 पे रखेंगे इसको, और यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी सेटिंग दे रहा है। तो फ्रिक्वेंसी मतलब जो इसकी स्पीड है काउंटिंग की, वो बहुत तेज हो जाएगी या कम हो जाएगी, कितनी आपको रखनी है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। जैसे 20 तक जा रही है तो ये 20 तक स्पीड जाएगी। मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा, इसकी आवाज से आपको पता चल जाएगा। तो इसको मैं अभी 12 पे ही रखूंगा कुछ इस तरीके से। और ऊपर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको रनिंग टाइमिंग दिखा रहा है कि जितनी देर हम पेशेंट पे अप्लाई करेंगे वो टाइमिंग यहाँ शो होगी। और यहाँ पे रनिंग काउंटिंग दे रहा है, जो हमने 500 दिया है ये यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों हमने तीनों चीज सेट कर ली है, अब हमें कुछ भी नहीं करना है। जो भी अटैचमेंट आपको लगाना है आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अटैचमेंट आपको अलग अलग दिया हुआ है। तो दोस्तों एक अटैचमेंट आपको इस तरह का मिल जाता है, दूसरा आपको इस तरह का मिल जाता है, तीसरा आपको इस तरह का मिल जाता है, और चौथा आपको कुछ इस टाइप का मिल जाता है। तो दोस्तों इसके जो इसके अंदर ये मेटल लगे हुए हैं, इसको कभी भी आप ध्यान दें, इसको लगाना है तो ये वाला हिस्सा जो है पतले वाला, इसको हमें नीचे की तरफ डालना है कुछ इस तरीके से, और ये अंदर चला जाएगा। तो जो भी अटैचमेंट आपको यूज करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां से हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे कुछ इस तरीके से। आप देख रहे हैं इसके अंदर फैन वगैरह चालू हो चुका है, आवाज भी आपको आ रही होगी। अब जब हमें अप्लाई किसी भी पेशेंट पे करना है तो मैं तो आपको हम यहाँ करेंगे, तो आप देख पा रहे हैं वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने 500 काउंटिंग सिलेक्ट की थी, जब तक ये 500 काउंटिंग नहीं हो जाएगी ये स्टॉप नहीं होगा। अगर मुझे स्टॉप करना है तो मुझे फिर से ये बटन दबाना पड़ेगा, ये स्टॉप हो गया। जैसे मैंने यहाँ पे 500 काउंटिंग सिलेक्ट की है, तो यहाँ पे जब तक 500 नहीं होगा ये स्टॉप नहीं होगा। अगर आपको स्टॉप करना है तो ये बटन दबाना पड़ेगा। तो दोस्तों कभी भी आप किसी पेशेंट पे अप्लाई करने से पहले आप खुद पे भी अप्लाई कर लें कि किसकी पावर ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी कम करनी है कि पेशेंट को दिक्कत ना आए। कि आपने अगर ज़्यादा दे दी किसी पेशेंट को तो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काफ़ी हैवी में है ये शॉकवेव। अगर आप नॉर्मल से इसको कंपेयर करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, 500 पे अपने आप स्टॉप हो जाएगा काउंटिंग, आप देख पा रहे हैं। तो 400 प्लस हो चुका है, अब देखिए आप 500 होते ही स्टॉप हो जाएगा, ये स्टॉप हो गया क्योंकि 500 काउंटिंग यहाँ पे पूरी हो गई है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस मशीन को आपको यूज करना है, और ध्यान से यूज करना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी आए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बिना मतलब क्या कोई चीज छेड़ेंगे तो दिक्कत ही आनी है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज नहीं है, हैवी में। अगर इस मशीन का हम वेट करें तो ये कम से कम आपकी वेट आएगी कंप्लीट 35 से 40 किलो पूरा, तो काफी हैवी चीज है। तो इसको आपको यूज करना है, पहले आप थोड़ा सा जानकारी ले लें कैसे यूज करना है, किस चीज को, प्रोग्राम को, काउंटिंग को, फ्रीक्वेंसी को कैसे सेट करना है, और कौन सा अटैचमेंट आपको यूज करना है और कौन सा। दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो शॉक वेव थेरेपी मशीन का हैवी ड्यूटी में। तो डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू।